नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। तालिबान एक तरह से इंसानियत का भस्मासुर है और तालिबान को जो मर्जी आए करने के लिए वो तैयार है, क्योंकि तालिबान पर दुनिया को भरोसा नहीं। वो कुछ कहता है और कुछ करता है। आपको याद हो, सत्ता में आने के बाद तालिबान ने कहा था कि वो महिलाओं को सभी अधिकार देगा, लेकिन अपने बयान से पलटते हुए तालिबान ने महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही साथ मीडिया में काम कर रही न्यूज एंकरों को चेहरा ढककर काम करने की हिदायत दी, जिसके बाद दुनिया हैरान हो गई। इसी के साथ कंगाल पाकिस्तान अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहता है और चाहता है कि तालिबान उसके इशारे पर काम करे, लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान को उसकी असल जगह पर पहुंचा दिया, जिसे पाकिस्तान नाराज है, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान को कठपुतली बनाकर मलाई खाना चाहता है, लेकिन तालिबान मलाई खिलाने से इनकार कर रहा है। इसके साथ ही साथ एशिया के बड़े देश भारत, ईरान, रूस और चीन तालिबान को लेकर काफी चिंतित हैं कि आखिर अफगानिस्तान के लोगों का भविष्य क्या होगा। इसी को लेकर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अजीत डोभाल गुरुवार को एक रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग में भाग लेने के लिए ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे रवाना हो गए। भारत अपनी सुरक्षा के लिहाज से अफगानिस्तान से अपने संबंध ठीक कर रहा है, जो काफी महत्वपूर्ण है। ये सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब सभी देशों का ध्यान रूस यूक्रेन युद्ध की तरफ है। इस सम्मेलन में अफगानिस्तान के काम की समीक्षा की जाएगी। इस समय अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद किए गए वादों से मुकरने का आरोप है, जो हमने आपको पहले ही बता दिया। तालिबान ने लड़कियों और महिलाओं के अधिकारों को लेकर प्रतिबंध नहीं लगाने का वादा किया था, लेकिन तालिबान लगातार उसका उल्लंघन कर रहा है। सम्मेलन से पहले तालिबान ने बताया कि वो दोहा समझौते का पालन कर रहे हैं और किसी को पड़ोसी और क्षेत्रीय देश के खिलाफ आतंक के लिए अफगानिस्तान की धरती का उपयोग करने की अनुमति नहीं दे रहे। अगर किसी पड़ोसी देश को कोई समस्या है तो हम शांतिपूर्ण तरीके से उसका समाधान निकालने को तैयार हैं। हम चाहते हैं अफगानिस्तान भी व्यापार का केंद्र बने। इसके लिए हम सभी देशों से अच्छे संबंध और सहयोग चाहते हैं। अफगानिस्तान ने कभी दबाव में काम नहीं किया। दुशांबे सम्मेलन से डरे तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि अफगानिस्तान ने कभी दबाव की रणनीति में काम नहीं किया। तालिबान ने अब तक भारत की सुरक्षा के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। साथ ही भारत से मदद के तौर पर पाकिस्तान के रास्ते जमीनी मार्ग से 50,000 मीट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान भेजने पर तारीफ की। अफगानिस्तान और तालिबान के जानकारों की माने तो भारत के लिए ये डायलॉग काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि डोभाल के दुशांबे सम्मेलन में आतंकवाद पर जोर देने की उम्मीद, क्योंकि अफगानिस्तान की जमीन का किसी भी स्थिति में पाकिस्तान में पैदा हो रहे आतंकी समूह इस्तेमाल ना करें। इसीलिए डोभाल शुक्रवार को ताजिकिस्तान में होने वाले सम्मेलन में रूस, चीनी, ईरानी और सभी मध्य एशियाई समकक्षों के साथ शामिल हो रहे हैं। खबरों की माने तो डोभाल इस बैठक के साथ ही द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। जानकारी देते चले कि दुशांबे में NSA लेवल की तरह बातचीत लगातार हो रही। इसके पहले नवंबर में अजीत डोभाल की मेजबानी में हुई थी। सम्मेलन में आतंकवाद के मुद्दों के साथ अफगानिस्तान में एक अच्छी सरकार के लिए बात करने की उम्मीद, जहां महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का ख्याल रखे। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों मोदी के बॉन्ड सक्रिय हुए हैं और क्यों तालिबान को उसके वादे याद दिलाने की बात कर रहे हैं। देखना होगा कि इस बैठक के बाद तालिबान क्या करता है और दुशांबे से ताकतवर देश क्या संदेश तालिबान को देते हैं।